देश में अगले साल आम चुनाव होने हैं, लेकिन अभी से सियासी गहमागहमी तेज हो गई है। इसी कड़ी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर साइकिल की सवारी छोड़कर अब कमल खिलाने में जुट गए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद ओम प्रकाश राजभर के सुर भी बदले बदले से नजर आ रहे हैं। ओपी राजभर मुरादाबाद मुरादानगर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता में जमकर प्रधानमंत्री मोदी और केंद्र सरकार की तारीफ की है। वहीं उन्हें समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ जुबानी हमले किए हैं। समाजवादी पार्टी छोड़ एनडीए में शामिल होने पर ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर एनडीए में शामिल हुए हैं, और राजभर का कहना है कि एनडीए में शामिल होकर वो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत करने का काम करेंगे। जब से हम एनडीए में आए हैं, अभी अपने आपने देखा रिजल्ट, विपक्ष के लोग बात करते हैं पीडीए की और एनडीए काम कर रहा है। चाहे आप मध्य प्रदेश को देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ को देखिए, चाहे राजस्थान, चाहे सीएम को देखिए, डिप्टी सीएम को देखिए, वो जो उनका पीडीए का नारा है, वो नारा दे रहे हैं, यहाँ साकार हो रहा है। देखिए, सही बात तो यह है कि जब 22 के चुनाव में बड़ी कोशिश बीजेपी की तरफ से हुई, क्योंकि मैं उस समय तक सपा के साथ बहुत दूर तक चला गया था, लौट के आना हमारे लिए खतरा था। सवाल कल आप ही लोग करते कि आप बिक गए या किन्हीं कारणों से आप क्यों लौट के चले आए, क्या कारण था। इस नाते हमने कहा कि नहीं, चाहे हारे चाहे जीते, हम यहाँ हैं। तो उस समय वार्ता प्रधानमंत्री जी ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारी बात में दम है, तो आगे जब चुनाव होगा तो फिर हमारे साथ रहना पड़ेगा। हमने कहा बिल्कुल रहेंगे।